हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जीमेल आईडी कैसे बनाएंगे, नया जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, तो जैसे कि हम अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो इसको हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च में जाकर के टाइप करना है क्रिएट जीमेल आईडी। तो जैसे हम इस तरीके से यहाँ पे टाइप करते हैं क्रिएट जीमेल अकाउंट, तो हमारा आ रहा है ऑप्शन क्रिएट जीमेल अकाउंट या क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, दोनों में से किसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रिएट जीमेल आईडी पे जाते हैं और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं क्रिएट ए जीमेल अकाउंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से ओपन होता है और यहाँ पे क्रिएट जीमेल आईडी यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि कैसे हमें बनाना है। तो यहाँ पे रेड कलर की जो आ रही है क्रिएट एन जीमेल अकाउंट, तो इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमसे पूछ रहा है क्रिएट गूगल अकाउंट, इंटर योर नेम और लास्ट नेम। तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे आप इस तरीके से इंटर कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड नेम है उसको इस तरीके से इंटर कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और इसके बाद आपका जो भी ईयर है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो जेंडर को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आपका जीमेल आईडी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिएट ऑन जीमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका जो भी नाम है वहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इस नेम से खाली है या नहीं है, बन सकता है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बन सकता है, तो इसमें हमें कुछ और डालना होगा तब जाकर ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा ये बन चुका है। इसके बाद आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे और फिर कंफर्म करेंगे उसी पासवर्ड को इस तरीके से, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर आपको डालना है तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करना है तो स्किप पे क्लिक करना है। जैसे आप स्किप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड फोन नंबर, अगर आपको फोन नंबर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप आसानी से रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जीमेल आईडी बनकर रेडी हो चुका है, और इसके बाद आपको प्राइवेसी एंड टर्म ऑफ कंडीशन को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखाई देता है। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जीमेल आईडी बनकर रेडी हो जाता है और इसमें किसी तरह की कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर हमें करेंगे, हम आपके उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।